इंडिया गठबंधन की कल दिल्ली में बड़ी बैठक होनी है, उस बैठक के मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस के प्रेसिडेंट अजय राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल बड़ी बैठक है, चूंकि तीन जो परिणाम आए हैं उसके बाद ये बैठक कितना इम्पोर्टेंट? नहीं, ये पहले से तय था कि 3 तारीख के बाद बैठक करेंगे और उसी के तहत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कल ये मीटिंग बुलाई है और सबसे आगे की रणनीति, आगे कैसे 2024 की जो गठबंधन बने हैं उस पर आगे की तैयारी की बात करेंगे। सरकार और बीजेपी ये कह रही है कि इंडिया गठबंधन जो है वो टूट गया है। इतनी घबराहट क्यों है सरकार और बीजेपी को इंडिया गठबंधन से? अभी कैसे वो कह देंगे, उनको कैसे मालूम है कि टूट गया है? ये घबराहट है, ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार की घबराहट का नतीजा। कई दल शामिल नहीं होने की चर्चाएं तेज है। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि सभी दल के लोगों से को निमंत्रण गया और मुझे लगता है कि सभी दल उसमें शामिल होंगे। आज की जो बैठक है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 24 की तैयारी को लेकर खास करके यूपी में मजबूती दे रही है? ये हमारी बैठक पहले से तय थी कि हम लोग इस पे जैसे ही परिणाम आएंगे उसके बाद हम मीटिंग करेंगे। हमारे पूरे प्रदेश के हर कोने कोने से लोग, हमारे जितने पदाधिकारी हैं, हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, सब लोग आए हैं। अब इस पे भी पूरे आगे की रणनीति भी चर्चा करेंगे और उसका फिर आगे 4:30 बजे आपको बता देंगे। एक अंतिम सवाल, पीएम का ट्वीट आता है कि कांग्रेस विभाजनकारी राजनीति कर रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को पहली बात तो इस तरीके की बात शोभा नहीं देती उनको, और अगर उन्होंने ये बात कही है तो पहले स्वयं अपने अंदर झांकें कि अभी विधानसभा के चुनाव में जो केंद्र के द्वारा निर्धारण होता है गैस के दाम का, इन्होंने राजस्थान में कहा 450 में देंगे केवल वोट लेने के लिए और 500 रुपये छत्तीसगढ़ में। ये दो तरीके की राजनीति, ये दो तरीके की बात हुई कि नहीं इनकी, कि आप पूरे देश को 1000 में सिलेंडर, आप सिलेंडर कितने में यहाँ ले रहे हैं? 1000 में ले रहे हैं ना, लखनऊ में, पूरे देश में 1000 में देंगे और राजस्थान और छत्तीसगढ़ को आप अलग अलग दाम पर देंगे, ये क्या है? ये खुद विभाजन की राजनीति कर रहे हैं कि भाई एक आपके द्वारा निर्धारण होता है, इसका अलग अलग आप दाम तय कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा सबको लेकर चलती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सबको लेकर चलते हैं। नाम बदलने की सियासत तेज है, अब फिरोजाबाद का नाम बदलना जा रहा है। ये तो उनका पहले से काम है, पहले से भी काम करते चले आ रहे हैं और उसी पर ये सारा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि काम नहीं, नाम बदलना है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कांग्रेस के प्रेसिडेंट अजय राय जी के, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने काम नहीं किया, इसी वजह से नाम बदलने की जरूरत पड़ रही है। कैमरा पर्सन अमरीश के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।